हम बहुत सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे पढ़कर एक अच्छी पोस्ट भी पा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी में हैं। और एक शिक्षक का यही जीवन होता है कि वो लोगों को सही राह दिखा सके, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। बच्चे आते हैं, सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, कुछ मार्ग भटक भी जाते हैं। हमारा काम है पढ़ाना। और बहुत बार ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ तो पढ़ा दिया, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, अब छोड़ देते हैं पढ़ाना, रिटायरमेंट ले लेते हैं। हमें भी लगता है कि यार परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, अब इतने साल तो हो गए जीवन में मेहनत करते करते। बट फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार नहीं, ये भी तो अपना एक परिवार है। यूट्यूब भी आज जो कुछ भी जहाँ भी हैं, इतने सारे लोगों का प्यार मिला है तो ही यहाँ तक पहुँच पाए। हमने जिस तरीके से अपनी मंजिल को पाया है, हम भी अपने बच्चों को वो मार्ग बता सकें, उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें कि वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त करें, वो भी जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। तो इसी जर्नी में एक नया दौर और 2020 के इस भयावह माहौल से निकलकर अब हम सब लोग 2021 में जाने वाले हैं। मैंने क्या सोचा है आपके लिए कि जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है या जो अभी तक नौकरी नहीं ले पाए, जिनकी नौकरी अभी तक नहीं लग पाई, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम उनमें उत्साह भरना भी है। अगर हम ढीले पड़ जाएंगे, हम सोच लेंगे हमने पढ़ा दिया, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता। वो पढ़ाने के लिए उसके मन को ठीक रखना भी हमारा काम है। आप देखते हो कि बीच बीच में मैं समझाता हूँ, आपको प्रेरणाएं देता हूँ, लोगों के एग्जाम्पल देखता हूँ, अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुश्किलें आएंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि हमें मन नहीं करेगा ये काम करना है, तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बट उसके बावजूद भी हमें तैयारी में बने रहना, लगातार हमें आपको तैयारी में बनाए रखना भी हमारा फर्ज है। तो मैंने क्या सोचा है आपके लिए कि हम अभी तक बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि सर सबको लगता है यूट्यूब एजुकेशन के मायने खत्म हो गए। लोगों को लगता है यार टीचर यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाता या टीचर यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैंने तो इस चीज को बदला है, मैंने तो यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ा के, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो मैं जैसा सोचता था या जैसा लोग उम्मीद करते थे वैसा हो सकता है ना हो पाया हो। हमसे भी कमियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन सुधारते हैं हम, जैसे कि अभी सुधार रहे हैं। कि मैं ये चाहता हूं कि अब एक इस धारणा को बच्चों की कि यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाया जाता, यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, ये मैं अपने 100% एफर्ट के साथ पढ़ाना चाहता हूं। और उसी सिक्वेंस में, अभी तक क्या होता है कि यूट्यूब पे लगता है कि टीचर सिक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, टीचर पूरा नहीं पढ़ा रहा या टीचर पीडीएफ नहीं दे रहा, तो मैं ये सब चीजों को खत्म करना चाहता हूं कि हम 5 दिन क्लास करें, मंडे टू फ्राइडे मैं बच्चों को पढ़ाऊं पूरी शिद्दत से, वो भी पूरी शिद्दत से लाइव आके पढ़ें जैसे कि वो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे बच्चों का एक असाइनमेंट के तौर पे टेस्ट लें, उसके बाद हम उन्हें मॉक टेस्ट भी कराएं, और हम एक दिन आके वीक में या 15 दिन में कुछ उनके लिए मोटिवेशन, कैसे उनको टाइम मैनेज करना है पढ़ाई के लिए, ये सब भी सिखाएं। यानी कि कंप्लीट पैकेज ऑन यूट्यूब मैं ये आपको देना चाहता हूँ। ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बार अगर पढ़ाना छोड़ना ही है तो उससे पहले कुछ चीजें और आपके लिए मैं बेहतर कर सकूं, कुछ लोगों के लिए और फायदा पहुंचा सकूं, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा मैंने कहा मेंस में जिन बच्चों को भी 200 मार्क्स आए, उन हमने पहले कहा था कि हम आईफोन देंगे, फिर हमने कहा कि जो भी बच्चे टॉपर रहेंगे मेंस में, जिसका हाईएस्ट स्कोर रहेगा, अभी तक तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा, बट उससे पहले 1000 से भी ज्यादा मेल मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें 300 या 350 मेल ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमने यूट्यूब के अलावा कहीं और से पढ़ाई नहीं। तो ये चीज बहुत खुशी देती है कि अगर कोई बच्चा YouTube से पढ़ के और 200 मार्क्स लेके आता है या जॉब सिक्योर करता है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। देखिए, जीवन में जब आप सब कुछ कमा लेते हैं, आपने बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ आपने पा लिया, आपने अपने सपने पूरे कर लिए, तो आपको लगता है कि यार अब आपको सुकून देने वाली क्या चीजें हैं। तो यही चीजें अब हमें सुकून देती हैं कि हमारे एफर्ट से हम किसी और के जीवन को कैसा बना सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं, ये चीज अब हमें सुकून देती है। तो इसी दौर में हम ये शुरू कर रहे हैं। मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि नहीं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब मुझे बहुत उम्मीद आपसे नहीं रहती है। आप जितना प्यार देते हैं मैं उसी को सर माथे से रखता हूं, बट मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप इस वीडियो को उन एस्पिरेंट तक जरूर पहुंचाएं जो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं दावा इस बात का कहता हूं कि अगर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करके निकलूंगा तो उसके बाद डाउट आपका कोई रहेगा, आपको उसके अलावा कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं खुद इस बात की गारंटी देता हूं कि वो द बेस्ट
डिलीवरी ऑफ कंटेंट होगी कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊँ। कुछ मैं एनिमेशन भी यूज करूँ क्लास के बीच में, जो रिकॉर्डेड क्लासेस अगर हम दें, प्रिज्म पिरामिड, बच्चों को 3D नहीं समझ आता, वो नहीं समझ पाते प्रिज्म कैसे बनता है, तो हम कुछ चीजें कम लिखें, यानी कि कम टाइम में हम आपको मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करें, यही हमारा ध्येय है। तो इस तैयारी में, इस सफर में हम सब मिल रहे हैं। 5 दिसंबर से हम इसे शुरू करेंगे, आज 3 दिसंबर हो ही गई, तो 5 दिसंबर से इसको शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको कल मिलेगा तो 6 दिसंबर से शुरू करेंगे। तो इंतजार रहेगा मुझे आपका भी, आप देखेंगे कितना मजा आने वाला है, जहां पे हम सारी चीजों को बहुत सिक्वेंस से करेंगे। पूरे वीक का टाइम टेबल शेड्यूल हम आपको अपडेट करेंगे कि भाई कम्युनिटी टैब में ये रहेगा, PDFs हम आपको टेलीग्राम में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो सब कुछ बहुत एक मैनर में, प्रॉपर वे में होगा, जहां पे आपको मजा आएगा। और जितनी भी सारी चीजें जो मैं जानता हूं, जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी लाइनें, जितनी भी सफलता के लिए चीजें जरूरी हैं, और हम वो भी स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा पहले मेरी हर वीडियो की शुरुआत एक शायरी से होती थी, बहुत से लोगों के लिए वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था, मजा आता था। जीवन क्या ही है, प्रेम ही जीवन है, तो वो सब भी बनाए रखने के लिए, बच्चों में उत्साह बनाए रखने के लिए हम वो भी जारी रखेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूं, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।